अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूँ हनीफ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंटरफेस के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, रिबन, टेब्स और ग्रुप्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के इस इंटरफेस में रिबन, टेब्स और ग्रुप के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टाइटल बार जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, यहाँ पे टाइटल बार के नीचे यहाँ पे आपको इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह कुछ ये नाम, उसके नीचे कुछ डिफरेंट कमांड और फिर उस कमांड के नीचे यहाँ कुछ नाम नज़र आ रहे हैं। इस पूरी एरिया को हम रिबन कहते हैं। और रिबन में फिर ऊपर ये नाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इसको हम टैब कहते हैं। और हर टैब के साथ नीचे अपने कमांड्स होते हैं। जैसा कि होम टैब के साथ नीचे देखें, यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बहुत सारे कमांड्स, इस तरह इंसर्ट के साथ, इस तरह मेलिंग टैब के साथ, रिव्यू टैब के साथ, व्यू टैब के साथ, इसको हम कमांड्स कहते हैं। हर टैब के साथ नीचे जो ऑप्शन होते हैं इसको हम कमांड कहते हैं। फिर इन कमांड्स को भी ग्रुप की शक्ल में यहाँ लिखा गया है। रिलेवेंट कमांड जो भी है उसको एक एक ग्रुप के अंदर लिखा गया है। और यहाँ भी जैसे कट, कॉपी, पेस्ट कमांड को एक ग्रुप के अंदर लिखा है, ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। इसी तरह फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट, तो इसको अलग एक ग्रुप में रखा गया है जिस ग्रुप का नाम है फॉन्ट। इसी तरह पैराग्राफ, स्टाइल, ये ग्रुप के नाम हैं। हर टैब के साथ अपने कमांड्स और ग्रुप्स हैं। इस रिबन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो टैब्स नज़र आ रहे हैं, इन टैब्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, व्यू को आगे ला सकते हैं, इस होम को इधर लास्ट पे ला सकते हैं, या अगर अपनी मर्ज़ी की कोई टैब ऐड करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ इस रिबन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कस्टमाइज द रिबन। अब यहाँ पे देखें वो सारे टैब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी से कोई नया टैब इंटर करना चाहें, नया टैब भी यहाँ क्रिएट करना चाहें, तो आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करें। तो यहाँ इंसर्ट के बाद एक नया टैब क्रिएट हो गया। अब इस टैब का नाम आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके नीचे रीनेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी नाम दें। ओके, माई टैब। ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। यहां पे आप इस टैब के नीचे जो ग्रुप है वो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने पहला ग्रुप फॉन्ट के नाम से, दूसरे ग्रुप का नाम भी मैं चेंज कर देता हूं, दूसरे ग्रुप का नाम रख देता हूं। प्रिंट। ओके, अब एक इस टैब में दो ग्रुप और टैब का नाम माय टैब। अब देखते हैं, इसको ओके करें तो यहाँ पे देखें इंसर्ट के बाद एक नया टैब नज़र आ रहा है, माय टैब। चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल कोई कमांड नहीं है तो इसी वजह से यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर आपने कमांड ऐड करने हैं तो कस्टमाइज़ द रिबन
और इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें जो भी कमांड आप ऐड करना चाहें, इस लेफ़्ट साइड में सारे कमांड मौजूद है। आप यहाँ से जितने भी कमांड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से फॉन्ट ये ऐड कर लें, फॉन्ट कलर ये ऐड, फॉन्ट सेटिंग, फॉन्ट साइज़ ये, और प्रिंट के टैब में मैं यहाँ से कुछ कमांड एंटर कर लेता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, बस। अब इसको ओके करें। यहाँ पे देखें माय टैब के अंदर ये कमांड आ गए, फॉन्ट में ये फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये ऑप्शंस आ गए, कमांड्स आ गए, और प्रिंट के ग्रुप में ये कमांड नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह आप अगर इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, होम इंसर्ट के बाद माय टैब नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि माय टैब आखिर में नज़र आए तो आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन, और होम टैब को सिलेक्ट करें, और यहाँ साइड पे जो मूव अप और मूव डाउन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। अब माय टैब सबसे लास्ट पे आ गया, ओके करें। ये देखिए माय टैब सबसे आखिर में आ गया। इसी तरह यहाँ से अगर कुछ कमांड आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहें, क्विक एक्सेस टूल बार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें रिबन के ऊपर, ऐड क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार में से किसी कमांड को डायरेक्ट, जैसे जूम वाला कमांड, मैं डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। इस वक्त क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये वाले ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप यहां से ऑप्शन ख़त्म भी कर सकते हैं, मज़ीद यहां पे कुछ टूल्स कमांड ऐड कर सकते हैं, मज़ीद नए कमांड ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट कलर इसको ऐड करें, साइज़ इसको ऐड करें, ओपन इसको ऐड करें, पेज सेटअप इसको ओपन इसको ऐड करें, ओके करें। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिबन के ऊपर राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। ये क्विक एक्सेस टूल बार जो आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं सबसे ऊपर, अगर आप चाहते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार इस रिबन के नीचे शो हो तो आप इस बटन पे क्लिक करें, क्विक शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। ये देखें, अगर आप वापस इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, ये देखें। अच्छा, अब इस पूरे रिबन को ये देखें, यहां पे एक ऑप्शन था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, कंट्रोल बटन के साथ। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन किस लिए यूज होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये पूरी रिबन हाइड हो तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखें, पूरी रिबन हाइड हो गई। अगर आप चाहते हैं कि टैब्स इसके शो हो, कमांड्स ये ग्रुप नज़र ना आए, तो यहाँ से आपको शो टैब्स, तो सिर्फ टैब आपको नज़र आएंगे, कमांड नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप टैब्स और कमांड भी शो करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, तो यहां से आप इसको रिबन को मजीद ऑटो हाइड, शो टैब्स कमांड ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद रूलर, स्टेटस बार और मजीद बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बिल के आइकन पर भी क्लिक करके, ताकि हमारे जो भी नई आने वाली वीडियोस होंगी उसकी खबर आपको मिलती रहे। शुक्रिया।